ये 15 दिन का एक मिशन मोड में हम हर जगह बारामूला में सेलिब्रेट करेंगे। उसका हमारा मेन मकसद है, हम अपनी आशा की बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें, इन सबको और आम लोगों को भी ये समझाएं कि अगर बच्चे को दस्त होता है या इस तरीके की घर में कोई भी इशू होती है तो वो किस तरीके से घर में मैनेज कर सकते हैं, किस ऐसे साइन सिम्टम पे अस्पताल में आना चाहिए। इसके साथ साथ आज हम विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे भी मना रहे हैं। ये हर थर्सडे को हम मनाते हैं। ये सिर्फ बारामूला में नहीं, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में ये नोटिफाई किया गया है कि आपने हफ्ते में एक दिन, मोस्ट लाइकली थर्सडे को, हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाना है, जहां पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो आए और अपना चेकअप कराएं, जिन बच्चों की इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन नहीं हो पाई है वो वैक्सीन करें, क्योंकि जब तक माँ सेफ नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता और जो हमारी आगे नस्लें हैं वो तंदुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारी बेटियों का, हमारी माओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स पे आती है और अपना काम चाहे आपको कितना भी छोटा लगता हो, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता। और आप जो एक भी, अगर आपसे एक भी जान बचती है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सदका है, ये बहुत बड़ी आपकी तरफ से गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि पूरी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। और मैं आप सबको एनकरेज करती हूँ और आप सबके माध्यम से मैं सारे जितने भी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे बारामूला में हैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। इससे हमारी जो हमारा लेवल ऑफ हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। आपको लगता होगा क्या फर्क पड़ रहा, जो हमारी मटर्नल मोर्टैलिटी जिसको कहते हैं कि जो माए दर्द जहमे मर जाती थी या इमीडिएटली बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टमार्टम जिनकी डेथ होती थी, उसमें रिमार्केबल डिक्रीज हुआ है, मतलब बहुत कम हो चुकी है। इन्फेंट मोर्टैलिटी, मतलब जो बच्चे, नवजात बच्चे, इन्फेंट होता है 1 साल से छोटा बच्चा, जो मर रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में मर रहे थे, उसमें भी बहुत कम वो रेट हो गई है, परसेंटेज हो गई है। सैम और मैम बेबीज जिसको हम कहते हैं एक्यूट माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब जिसमें जिन्हें सही खाना नहीं मिला और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, उसमें भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हुआ है। और उसकी मैं मुबारकबाद आप ही लोगों को, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूंगी, आप सबको देना चाहूंगी, स्पेशली हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को, क्योंकि आपने जो है एक एक जान भी कीमती है। ये हमारे तो ये कॉल है, ये कहा भी जाता है और इट इज कुरानिक वर्स ऑल्सो कि जो भी एक भी जान बचाए वो समझिएगा कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया। तो इसलिए मैं समझती हूँ आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, चाहे आपको उसमें आप सोचें कि हमें इकोनॉमिकली या ऑनरेरियम वाइज इतना नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम है। आप अपना काम जिस तरह से करें उससे और ज्यादा जो है उसमें और शिद्दत से और पैशन से अपना काम करें, क्योंकि इसी से हमारी जो है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी और जो हमारा काम भी है वो तभी अच्छा होगा अगर हम हेल्दी होंगे, तभी हमारा मन भी करेगा कोई काम करने का या किसी अच्छी चीज को दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करने का।